हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एंड टेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वेव सिटी को हमने क्यों सेलेक्ट किया और वेव सिटी के अलावा हमने और कौन कौन से ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। तो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट थी एक 2 BHK फ्लैट की, जो कि हमें रेडी टू मूव इन चाहिए, अच्छे एरिया में, वेल कनेक्टिविटी के साथ, अच्छे सोसाइटी में, और हम चाह रहे थे हमें 40 लाख के अराउंड ये मिल जाए। तो हम चाह रहे थे कि हमें नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन पे ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट इस बजट पे मिलना बहुत ही मुश्किल था। हमें एक ऑप्शन देखा अमरपाली ड्रीम वैली का, यहाँ पे हमने 2-3 सोसाइटीज़ देखी। तो ये प्रोजेक्ट तो ठीक था, लोकेशन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी इसकी, बट ये रेडी टू मूव इन नहीं था और लेआउट भी हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया इसका। और इसका जो प्राइस रेंज है वो भी सही था, 36-37 लाख से स्टार्टिंग थी इसकी और 43 लाख 45 लाख तक में मिल जा रही थी। इसके बाद हमने ऑर्गेनिक होम्स विजिट किया। ये एक सोसाइटी है जो कि NH-24 पे लोकेटेड है और NH-24 पे होने के कारण इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। इस प्रॉपर्टी के हमें लेआउट कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, प्लस ये रेडी टू मूव इन भी नहीं थी और इसका जो प्राइस रेंज था वो 40 से 50 के बीच में था 2 BHK का। इसके बाद हमने आदित्य वर्ल्ड सिटी विजिट किया। ये एक टाउनशिप है जो कि वेव सिटी के सामने ही है और हमने यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स देखे, अर्बन होम्स, सिटी अपार्टमेंट्स एंड अर्बन रॉयल होम्स। ये न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है जिसका पोजीशन 6 महीने में होना है। हमें इसकी लेआउट्स काफ़ी अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छी थी, बट यहाँ पे जो फीलिंग आ रही थी ना वो थोड़ी कॉलोनी की आ रही थी, ज़्यादा ओपननेस फील नहीं हो रहा था, थोड़ा कंजेस्टेड सा फील हो रहा था बाहर की तरफ से, बट बाकी सारी चीज़ें अच्छी थी। इवन प्राइस रेंज भी 35 लाख के अराउंड में था इनका 2 BHK का। हमने इवन राजनगर एक्सटेंशन भी ट्राई किया, यहाँ पे हमने SCC सफायर और विंसर पैराडाइज 2 विजिट किया था। यहाँ पे जो 2 BHK के रेंज थी प्रॉपर्टी की वो 35 के अराउंड में ही मिल जा रही थी हमें, बट अगेन हमें इनका लेआउट कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। देन वी विजिटेड वेव फ्लोर्स इन वेव सिटी। सेक्टर 2 पे मैंने जब प्रॉपर्टी विजिट की थी तब ये 42 से 45 लाख के बीच में थी प्रॉपर्टी और इसकी जो लेआउट है हमें काफ़ी अच्छी लगी, बट इसमें जो कमी थी वो ये थी कि सोसाइटी में होने के बावजूद इसमें सोसाइटी के सारे एलिमेंट्स मिसिंग थे, लाइक डेडिकेटेड पार्किंग भी नहीं है यहाँ पे, सोसाइटी के जिम नहीं है, पार्क नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, तो ये सारी चीज़ों के कारण हमने इसे ऑप्ट आउट किया। तो अब बात कर लेते हैं कि हमने ड्रीम होम्स को क्यों सेलेक्ट किया। क्योंकि वेव सिटी जो है ये एक प्लान टाउनशिप है, इसके जो रोड्स हैं वो वेल मेंटेन्ड है बाय द बिल्डर, क्लीन है और इसकी कनेक्टिविटी NH-24 पे होने के कारण काफ़ी अच्छी हो जाती है। और हम रह रहे हैं ऑलरेडी ड्रीम होम्स में तो हमें पता है कि ये सोसाइटी की जो मेंटेनेंस टीम है वो भी काफ़ी अच्छी टाइम पे काम कर लेती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अपोजिट में पुलिस स्टेशन है, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन रहा है और हमारी सोसाइटी के अंदर में क्लब हाउस है जहाँ पे जिम, स्विमिंग पूल, पार्टी एरिया, ग्रीन बेल्ट, डेडिकेटेड पार्किंग, ये सारी चीज़ें हैं और कमर्शियल स्पेस है अंदर में, ड्रीम बाज़ार जो कि फुली ऑपरेशनल हो चुका है अब, सामने ही हमारा एक सेंट्रल पार्क है, काफ़ी अच्छा ग्रीन स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे रहने के बाद। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये फ्लैट हमारे बजट में था और हमारे प्रेफरेंस वाले व्यू के साथ था। इन सारे प्रोज के अलावा मुझे बस एक ही कौन दिखता है कि यहाँ की जो क्लब हाउस की मैनेजमेंट है किसी थर्ड पार्टी को दे रखा है, जिसके इंचार्ज रोहित और श्रीजीत हैं। बेसिकली ये लोग अच्छे से मैनेज नहीं करते और कंप्लेंट्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं। एंड जो हमारा जो सैम्पल फ्लैट है ड्रीम होम्स का, ये ऐसा दिखता है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।